कुमुदिनी झील कास पठार के मुख्य प्रवेश द्वार से गेट नंबर 4 से करीब 2 किलोमीटर दूर है। सुबह जब हम वहां पहुंचे तो कुमुदिनी झील में सिर्फ कुमुदिनी की कलियां ही दिखाई दे रही थी। वन विभाग ने कुमुदिनी झील के पास कास लेक व्यू पॉइंट विकसित किया है। यहां से कास झील का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। लौटते समय जब हम कुमुदिनी झील के पास पहुंचे तो वहां कुमुदिनी की छोटी छोटी सफेद कलियां खिली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे मुस्कुराकर हमारा स्वागत कर रही हो। कुमुदिनी झील के पास पड़ोसी गांवों की महिलाएं यहां आने वाले पर्यटकों को घर में बने चावल और नागली की रोटी के साथ चटनी, पिकले, बेसन की सब्जी, छाछ आदि उचित दामों पर उपलब्ध कराती है। इससे न सिर्फ पर्यटकों की भूख मिटती है बल्कि ग्रामीणों को भी मदद मिलती है। सतारा जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर और कोयना अभयारण्य के उत्तरी भाग से 20 किलोमीटर दूर स्थित कास पठार या इसे फूलों का पठार भी कहा जाता है। कास पठार का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित वन है। कास पठार को संरक्षण कार्य मंडल के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। कास पठार के निचले हिस्से में स्थित कास झील सतारा शहर के लिए पानी की आपूर्ति का एक बारहमासी स्रोत है। यह सतारा वन प्रभाग का गौरव है। इस पठार पर उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के तत्व पाए जाते हैं जो इसे जैव विविधता में समृद्ध बनाते हैं। वनस्पति विज्ञान के लिए कई नई प्रजातियां अभी भी पठार पर खोजी जाती है। पठार पर कई स्थानिक लुप्त प्राय पौधे पाए जाते हैं। फूलों के पौधों की 850 से अधिक प्रजातियां बताई गई है। कास पठार महाराष्ट्र के सतारा के पास सह्याद्री पर्वत के ऊपर स्थित है। लगभग 1213 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कास पठार सतारा जिले में स्थित महत्वपूर्ण पठारों में से एक है। पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1200 से 1400 मीटर है। कास पठार सतारा शहर से 28 किलोमीटर दूर है। अगस्त से अक्टूबर तक मानसून की बारिश के साथ पठार विभिन्न प्रकार के फूलों से जीवंत हो उठता है। फूलों के चक्र के बढ़ने के साथ पठार हर 15 से 20 दिनों में रंग बदलता है। कास पठार पर वार्षिक वर्षा
2000 से 2500 मिलीमीटर के बीच होती है। कास पठार के अंतर्गत कुल 1792 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1142 हेक्टेयर सरकारी वन के रूप में पंजीकृत है। 2-3 सप्ताह की अवधि के लिए यहाँ 150 से अधिक प्रकार की फूलदार झाड़ियाँ, घास, आर्किड खिलते हैं। कास पठार के पास भांबिवली बजराई जलप्रपात पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण है और यह सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 507 मीटर है और यह एक खड़ी चट्टान से गिरता है और इसमें 3 सीढ़ियां हैं। उर्मोड़ी नदी इस जलप्रपात का स्रोत है। कास पुष्प पठार कार पार्किंग से आगे घटाई देवी मंदिर से होकर हम कास झील तक जाने वाली कच्ची सड़क से गुजरते हैं और आगे एक टी जंक्शन पड़ता है। वहां से बाई तरफ मुड़कर सड़क मार्ग से हम भांबिवली गांव पहुंचते हैं। भांबिवली एक छोटा सा सुंदर गांव है। यहां पर वन विभाग की एक चेक पोस्ट है जहाँ 50 रुपए का शुल्क चुकाने के बाद आपको बजराई जलप्रपात की ओर जाने की अनुमति मिल जाती है। भांबिवली गांव से जंगल में लगभग 2 किलोमीटर की ट्रेकिंग के बाद हम वजराई जलप्रपात के व्यू पॉइंट तक पहुंचते हैं। वहां से वजराई फॉल्स का मनोरम दृश्य देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहां का शांत वातावरण मुख्य आकर्षण है जो आपको तरोताजा कर देता है। यह जलप्रपात 12-मासी प्रकृति का है और साल के 12 महीने बना रहता है।